एहसान हो ही नहीं सकता। एक गाथा कहती है, सब लोग जानते हैं शिवजी की पत्नी का नाम पार्वती है, और ये भी जानते हैं कि पार्वती जी का पहला जन्म माता सती का था, और ये भी जानते हैं माता सती हिमांचल की बेटी थी। राजा हिमांचल के साथ कन्याएं थी, एक कन्या का नाम सती था जिनकी शादी हुई थी शिवजी के साथ, पार्वती का पहला स्वरूप। राजा हिमांचल की सात कन्याओं में से एक कन्या का नाम था संज्ञा, जिसका विवाह बंधन हुआ था सूर्य देवता के साथ। सूर्य देवता का तेज इतना ज्यादा था कि संज्ञा सूर्य देवता के तेज को सह नहीं पाती थी। संज्ञा को समझ में नहीं आता था, मैं पत्नी धर्म को निभाऊं कैसे। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बेटी चाहकर भी माता पिता से व्यक्त नहीं कर सकती, पर संज्ञा बहुत तपस्विनी थी, तपोबल अच्छा था, इसी तपोबल के कारण तो वो सूर से व्याही थी। फिर संज्ञा ने एक फैसला किया, कि मुझे अपने तपोबल से अपने जैसी एक नारी का निर्माण करना है, यहां उस नारी को मुझे छोड़ना है सूर्य देवता की सेवा के लिए, और मुझे तप करने के लिए जाना है, जिससे मैं इतना ज़्यादा अपने अंदर में तेज इकट्ठा करूं कि सूर्य देवता के लायक सुपात्र हो सकूं और पत्नी धर्म निभा सकूं। जो हमारी छाया होती है उसे कुछ असर नहीं होता, जो हमारी छाया होती है उस पर तेज का असर नहीं होता, उसको पानी का असर नहीं होता, उस पर किसी का असर नहीं होता, क्योंकि वो छाया होती है, वो सब सह लेती है, क्योंकि वो छाया है, मूल नहीं है। तो छाया का निर्माण किया, और छाया का निर्माण बिल्कुल इस तरीके से हुआ कि सूर्य देवता को पता ही नहीं चला कि ये संज्ञा नहीं है, ये छाया है। छाया का संबंध सूर्य से हुआ और संज्ञा चली गई तप करने के लिए। जब संज्ञा का तप पूरा हुआ, जब वो तप करके वापस आई, तब तक सूर्य और छाया के मिलन से शनि देव ने जीवन पाया। उन परिस्थितियों में सूर्य और छाया ने शनि देव को जन्म दिया। छाया चूंकि छाया थी, और छाया थी इसलिए उसके अंदर का व्यक्तित्व छायामय था, यानी छाया तो हमारी ब्लैक ही होती है ना, तो छाया के जैसा उसका व्यक्तित्व था। दूसरा, छाया शिव की परम भक्ति थी, क्योंकि शिव का तप था संज्ञा में, जिस तप के बलबूते पर छाया का निर्माण हुआ, तो छाया क्या है, वो शिव का पूरा तप है। तो जब गर्भ में शनि देव जी थे तो छाया ने अपने आप को इतना तपस्विनी बनाया, इतना तप बनाया कि कोई तपस्विनी महिला जब तप करती है तो भूल जाती है कि गर्भ में बालक मेरे कारण भूखा मर रहा है, या मेरे कारण बालक भी तप कर रहा है, क्योंकि जो भोजन गर्भवती लेगी, जो जैसा गर्भवती जीवन जिएगी, उसका प्रभाव बालक पर तो पड़ना है। तो छाया के तप का, उसके भूखे रहने का, उसकी आराधना का, उपासना का, अपने आप को तपाने का पूरा असर शनिदेव पर आया। और असर इतना शनिदेव पर आया कि जब शनिदेव ने जन्म लिया तब उनका व्यक्तित्व तो इतना तेजोमय था कि सूर्य भी उनसे निगाह नहीं मिला सकते थे। तपस्वी होने के नाते, तप का बल लेने के नाते अद्भुत तप था उनके अंदर में, पर खूबसूरती नहीं थी। क्योंकि जब गर्भवती महिला अपने बच्चे को खूबसूरती देने के लिए प्रयास करेगी तो खूबसूरती दे पाएगी। तो गर्भ में जिन परिस्थितियों में शनिदेव जी थे, उन परिस्थितियों में
वह तपस्वी तो बने पर जन्म लिया तो रंग काला था, बड़ी बड़ी आंखें थी, ऊंचा ललाट था, पर खूबसूरत गोरे नहीं थे, जैसा कि वर्ण सूर्य देवता का है। सूर्य और छाया के मिलन से शनि देव ने जीवन पाया। सूर्य और छाया के मिलन से शनि देव ने जीवन पाया। देखा जब शनि राज का चेहरा, देखा जब शनि राज का चेहरा, सूर्य कहे नहीं पुत्र ये मेरा, सूर्य कहे नहीं पुत्र ये मेरा। जिस माँ से कहा जाए और वह भी पिता यानी उस महिला का पति कहे कि तुम प्रमाणित करो या किसका पुत्र है, उससे बड़ा चरित्र पर इल्जाम दूसरा हो नहीं सकता और उससे ज्यादा बेइज्जती उस औरत की हो नहीं सकती। शनि देव जी के लिए तो ये बर्दाश्त के बाहर था। बस वो जन्म शनि देव जी का विद्रोही बन गया। माँ का अपमान मेरे जन्म के नाम से, माँ का अपमान वह भी मेरे जन्म के प्रश्न को लेकर। अब माँ के हितैषी और माँ को प्यार करने वाले शनिदेव उस पिता के लिए विद्रोही हो गए जो पिता उनके जन्म को लेकर उनकी माता के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। बस यहां ही सूर्य और शनि का विद्रोह हो गया। शुरुआत यहां से ही प्रारंभ हो गई। कई बार ऐसा होता है बच्चे के जन्म के बाद में वह पिता उस बच्चे को वो साथ नहीं देता जो अधिकार है बच्चे को उस पिता का साथ पाने का। आपस में वाद विवाद पति पत्नी के कारण के कोई भी रहे हो, पर जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो वह बालक अपने पिता को विद्रोह की नजर से देखता है और इन परिस्थितियों में विष्टि योग में वह व्यक्ति जन्म लेता है। विष्टि योग क्या है? सूर्य और शनि की दृष्टि या सूर्य और शनि का एक साथ बैठना, सूर्य और शनि का मिलन, इसे कहते हैं विष्टि योग। ऐसा भी कहा गया है कि मेरा पूर्व जन्म का शत्रु मेरा पुत्र बनकर जन्म ले सकता है। विष्टि योग में पिता पुत्र से, पुत्र पिता से बदला लेने के लिए भी एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी कहती है। तो जन्म के समय में जब प्रश्न उठा छाया के ऊपर तो छाया को तो बर्दाश्त हुआ नहीं। उसने तो बार बार कोशिश की मैं सूर्य देवता को समझा लूं, पुत्र आपका ही है, इसमें आपका ही तेज है, सब कुछ आपके ही गुण है, और अब ये नहीं कह सकती मैं छाया हूं संज्ञा नहीं हूं, क्योंकि शपथ देके गई है वो संज्ञा, ये भेद खोलना नहीं मेरे आने तक। और यदि वो जाकर या जाने के समय में ये भेद बोलकर जाती तो सूर्य देवता उसे कभी जाने ही नहीं देते। जब कोई भी कार्य बिना पति की आज्ञा के किया जाता है तो कितना बड़ा विध्वंस हो सकता है। छाया ने जो किया संज्ञा के कहने से किया, और संज्ञा ने जो किया पति की मर्जी के बिना किया, छुपाकर किया, इसमें बहुत बड़ा चक्रव्यूह रच गया। प्रसंग के अंदर बहुत सारे प्रसंग हैं, पर छोटा सा विश्लेषण यह है कि शनि देव जी जन्म से सबके विद्रोही हो गए, क्योंकि छाया को वो अधिकार सूर्य से उस समय भी नहीं मिला जब संज्ञा आई और संज्ञा ने भेद खोला कि ये मेरी छाया, ये मेरी छाया है, संज्ञा मैं हूं। उसके बावजूद भी छाया को वो अधिकार नहीं मिला जो संज्ञा को मिला। पहले अनजाने में मिल रहा था, अब संज्ञा के आने के बाद वो अधिकार खत्म हो गया। अब दूसरा सवाल हो गया शनिदेव के सामने कि मेरी मां को उसके पति का अधिकार कैसे दिलाऊं।
और मेरी माँ को ये प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है मैं कुछ किसका पुत्र हूं, मैं खुद प्रमाणित करूंगा, मेरा तेज खुद प्रमाणित करेगा, मेरी साधना, मेरा तप, मेरे गुण मेरे पिता से भी कहीं बढ़कर होंगे, दुनिया प्रमाणित करेगी कि मैं सूर्य के समकक्ष हूं। माँ ने ज्ञान दिया, सबसे पहले गुरु माँ होती है, माँ चाहे तो व्यक्ति को शक्ति बना सकती है। माँ ने शिक्षा दी, शिव की भक्ति से तुम्हें सूर्य के जैसा तेज मिलेगा, तुम प्रमाणित करोगे और दुनिया जानेगी और यही सत्य है, तुम जाकर शिव का तप करो। शिव की अनन्य भक्ति की और अनन्य भक्ति से शिव ने अद्भुत वरदान दिए। शनिदेव तो सिर्फ एक ही वरदान के लिए शिव जी का तप कर रहे थे कि मैं मेरे पिता की तरह बलशाली शक्तिशाली हो जाऊं, उनसे निगाह मिला सकूं और उनके जैसा तेज, आज उनमें कितना तेज है, आप सूर्य जब दोपहरी का प्रचंड हो तो उनसे निगाह नहीं मिला सकते आप, सूर्य का तेज आपको आंखें खोलकर सूर्य की तरफ देखने नहीं देगा। जब तक सूर्य सुबह के हैं तो आप दर्शन कर पाओगे, बाद में तेज होने के बाद में आप खुली आंखों से ठीक से नहीं देख पाओगे। सूर्य देवता के तेज के समकक्ष चाहते थे शनि महाराज मेरा तेज हो, और यही वरदान चाहते थे, पर शिव जी ने तो बहुत सारे वरदान दे दिए। ठीक है, मैं तुम्हें सूर्य के जैसा और सूर्य से भी अद्भुत तेज वाला बनाता हूँ, तुम्हारी दृष्टि में तो ऐसा अद्भुत तेज होगा कि लोग तुम्हारी दृष्टि की बात सुनकर कहाँ पेंगे, निगाह मिलाना तो बहुत दूर की बात है। तुम मेरे प्रिय शिष्यों के नाम से जाने जाओगे, तुम कलियों के न्यायाधीश बनोगे, तुम कर्मफल दाता बनोगे, इतने सारे पद उन्हें दिए। जैसे जैसे तब बढ़ता गया शनि महाराज का, एक एक अवार्ड पुरस्कार, एक एक वरदान प्राप्त होता चला गया, और इतने ज्यादा शिवजी के आशीर्वाद उन्हें मिल गए कि वाकई में वो अपने पिता के जैसे बन गए। एक दिन ऐसा भी आया कि सूर्य देवता को अपनी कथनी पर प्राश्चित हुआ और पूरे सभा के समक्ष छाया को अपनी पत्नी स्वीकार करते हुए, शनि को अपना पुत्र स्वीकार करते हुए ये मान्यता दी कि यदि सही मायने में मेरा कोई पुत्र है तो वो सबसे ज्यादा होनहार या शनि ही है। इनको उन्होंने यम से भी ज्यादा, अपनी पुत्री यमुना से भी ज्यादा, शनि देव का यम से गहरा संबंध है और यमुना से गहरा संबंध है। मैंने कल आपको बताया था यमा ग्रजम यम के बड़े भ्राता, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम सूर्य देवता के पुत्र, यमा ग्रजम यम के अग्रज, यम के अग्रज यानी यम से पहले दुनिया में आए, यम के बड़े भ्राता। अब आप देखेंगे दुनिया भर के सीरियल बनेंगे, फिल्में बनेंगी, उसमें यम का जन्म पहले दिखाएंगे, यमुना का पहले दिखाएंगे, फिर कहा जाएगा कि संज्ञा तो सह नहीं सकती है सूर्य देवता को, तप करने गई सह नहीं सकती है तो दो बच्चे तो हुए ना, फिर तप करने कैसे जाएगी, फिर ये यमाग्रजम जो वेद व्यास ने लिखा, फिर ये सत्य नहीं क्या कि यम के अग्रज हैं शनि महाराज जी, यम उनसे छोटे हैं। बहुत सारी भ्रांतियां फैलाते हैं ये जो सीरियल वाले हैं और जो फिल्मों वाले हैं, और बहुत सारा डरावना स्वरूप बनाते हैं एड लेने के लिए, बहुत सारी बातें, और धर्म के ऊपर कड़ा प्रहार करते हैं। इसीलिए सही माने में जो ज्ञान से संबंधित लाभ लोगों को मिलना चाहिए उससे लोग वंचित रह जाते हैं। तो सूर्य देवता ने शनिदेव को आधे अधिकार दिए और आधे अधिकार दिए यम देवता को। यम देवता को मृत्यु के बाद व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों के लिए फल देने का स्वामी बताया
और इनको मृत्यु लोक का कर्म फलदाता बनाया, ये मृत्यु लोक के न्यायाधीश बन गए। धीरे 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 जब इनका तेज बढ़ने लगा, तो तेज बढ़ने के साथ साथ में अब बात ये भी होने लगी कि आगे चलकर विवाह संबंध भी किया जाए। छाया की इच्छा से, छाया की पसंद से, माता की मर्जी से गंधर्व राज की कन्या ध्वजनी के साथ इनका विवाह संबंध हुआ। मैंने तो आज तक समाचार जैसी न्यूज में जो प्रतिष्ठित है, आज तक समाचार लोग कहते हैं कि आज तक समाचार में सबसे सही बताते हैं, इतनी झूठी न्यूज देखी है शनिदेव जी के बारे में कि वो बाल ब्रह्मचारी है। प्रतिष्ठित समाचार जब ऐसी न्यूज दिखाते हैं और ऐसा वीडियो बनाते हैं, तो फिर अब आगे और समाचारों पर विश्वास करने का कोई संबंध ही नहीं है। ये आधा अधूरा जो ज्ञान है ना, ये बड़ा तकलीफ का विषय होता है।